नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ संस्कृत संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछली 4 कक्षाओं में हमने पत्र तथा समाचार लेखन, इस प्रमुख विषय के अंतर्गत पत्र लेखन का प्रयोजन एवं प्रकार, पत्र लेखन की शैली एवं भाषा, समाचार से अभिप्राय एवं उसके स्रोत, समाचार का उद्भव एवं विकास, इन सभी विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। आज की कक्षा में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है समाचार के अंग तथा संपादन। समाचार के विविध अंग होते हैं। किसी भी समाचार के प्रायः 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आमुख, दूसरा मुख्य कलेवर और तीसरा शीर्षक। अब हम एक एक करके उपयुक्त 3 अंगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आमुख। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी भी चीज का प्रारंभिक हिस्सा या पहला भाग। जैसे आपने सुना होगा कि कोई गीत गाते हैं तो उस गीत में सबसे पहले क्या होता है? मुखड़ा। उसके बाद आता है अंतरा। तो जिस प्रकार गीत में मुखड़ा होता है उसी प्रकार समाचार की शैली में आमुख जो है वो किसी भी समाचार का प्रारंभिक हिस्सा कहलाता है। प्रत्येक समाचार की प्रारंभिक जो 3-4 पंक्तियां हैं, 3-4 लाइन्स हैं, उसमें समाचार के केंद्रीय भाव को प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी कि आपको जो मुख्य समाचार है या जो मेन समाचार का कंटेंट है वो बाद में जानने को मिलेगा, लेकिन यदि आपको उसको पूरा पढ़ने की इच्छा नहीं है या समय नहीं है तब भी केवल जो हेडलाइंस हैं या जो उसकी प्रारंभिक 3-4 पंक्तियों में उस पूरे समाचार की आत्मा को, एक सार को पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि समय के अभाव में केवल हमने मुख्य मुख्य समाचार पढ़े और हमें जानकारी मिल गई कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। इसे समाचार का सार कहते हैं और इसे ही आमुख या इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल वाली जो खबर पढ़कर सुनाई थी, उस खबर के प्रथम अनुच्छेद में उन 5 बातों को शामिल किया गया है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन सी 5 बातें? कौन, क्या, कब, कहां और क्यों। इनका उत्तर शुरुआती 3-4 वाक्यों में मिल जाना चाहिए। समाचार का यह अंश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन सा अंश? आमुख नामक जो अंश है, इसमें पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को संक्षेप में पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है और बाकी समाचार इसी आमुख का विस्तार होता है। जैसे ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक छोटा स्वरूप हो गया। और अगर आपने हेडलाइन पढ़ के आपको उसमें रुचि जागी, आपको लगा कि ये खबर तो मेरे रुचि की है या मेरे फील्ड की है, मेरे एरिया की है, तो आप उसको विशेष रूप से जब पढ़ना चाहेंगे तो उसमें आप डिटेल में जाएंगे, उसकी पूरी आधे एक पेज की जो भी खबर आप उसको पढ़ेंगे। इसलिए कई बार क्या होता है, सबकी रुचि के विषय नहीं है। किसी को खेल में रुचि नहीं है तो वो हेडलाइन पढ़ेगा, उसको लगेगा मुझे इसमें कुछ जानना नहीं, तो वो अंदर की खबर को नहीं पढ़ेगा। लेकिन किसी की राजनीति में बहुत लोगों की रुचि होती है, तो राजनीति में उसने एक उसका इंट्रो को पढ़ा और लगा कि ये तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो पूरी खबर को विस्तार से अंदर पढ़ सकता है। आमुख लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि उस समाचार में किसी तरह की निरंतरता है तो उस निरंतरता का उल्लेख आमुख में अवश्य होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि इसके बिना समाचार अधूरा रह जाता है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल वाले समाचार की जो पहली पंक्ति में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी उसमें कहा गया था कि परिवहन संचालकानाम अनिश्चितकालिकेन राष्ट्रव्यापी कर्म विरामेण अद्य तृतीय दिनेपि राष्ट्रम आकुलम अस्ति। तो इसका अनुवाद क्या था कि तीसरे दिन भी, तो क्योंकि घटना पहले से चली आ रही है और तीसरे दिन लगातार वो घटना चल रही है, तो यहाँ तृतीय दिनेपि इस शब्द में क्या है? निरंतरता विद्यमान है। तो ये हुआ आमुख। उस आमुख के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है समाचार के अंगों के अंतर्गत वो है मुख्य कलेवर। मुख्य कलेवर समाचार का वह अंग है जो आमुख के पश्चात विस्तार से लिखा जाता है। इसमें वे सारी सूचनाएं होती हैं जो रेडियो, टेलीविज़न या समाचार पत्र अपने श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। इसे लिखने से पहले महत्वहीन सूचनाओं को पहले ही अलग छांट देना चाहिए और अवशिष्ट प्रमुख सूचनाओं में एक संगति बैठाकर उसे क्रमगत करके, उसे व्यवस्थित करके लिखना चाहिए। समाचार को सरल लेकिन आकर्षक भाषा में
और निष्पक्ष होकर लिखना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी एक विशेष मत से सहमत हो सकते हैं या किसी एक विशेष दल से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन जब आप समाचार संपादन कर रहे हैं, समाचार लिख रहे हैं, तो उस समय आपको निष्पक्ष होकर आपकी शैली में पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। आप जो खबर है, जो तथ्य है, उस तथ्य को बिल्कुल उसी स्वरूप में लिखना चाहिए। तथ्यों के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यदि सूचना किसी अन्य समाचार एजेंसी से आपको प्राप्त हुई है तो उसका हवाला भी आपको ज़रूर देना चाहिए। जैसे जब हम शोध कार्य करते हैं एमफिल पीएचडी के दौरान, तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब यदि हम किसी का रेफरेंस ले रहे हैं, किसी और की कही हुई बात को कोटेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए, उसका हवाला देना चाहिए, उसका रेफरेंस देना चाहिए, तभी हमारा शोध कार्य उचित माना जाता है। तो उसी प्रकार समाचार के संदर्भ में भी यदि आपने ये खबर किसी विशेष संगठन से या किसी विशेष व्यक्ति विशेष से आपने प्राप्त की है, तो आपको उसका हवाला या किसी विशेष चैनल से आपने उसको खबर को लिया है, आपकी खुद की खबर नहीं है, उसका प्रारंभिक स्रोत आपके पास नहीं है, तो जो उसका प्रारंभिक स्रोत है आपको उसका हवाला देना चाहिए। तीसरा जो प्रमुख अंग है उसका नाम है शीर्षक। समाचार का शीर्षक देना समाचार लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार के शीर्षक का अधिक महत्व नहीं होता, परंतु समाचार पत्रों का तो यह प्राण तत्व ही है। क्यों? क्योंकि समाचार का सफल आमुख टाइटल, जो मैंने सबसे पहले बताया, वो लिख देने पर शीर्षक देना आसान हो जाता है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए जो बाकी समाचार पढ़ने को प्रेरित करे। पहले सबसे पहले शीर्षक पढ़ के ही आपको आनंद आ जाए, शीर्षक से ही लगे कि इसमें कुछ रुचि है, और शीर्षक के बाद उसमें आप आमुख में जाएंगे जो उसमें पूरी खबर विस्तार से बाद में, लेकिन आमुख पढ़कर भी, क्योंकि समय का अभाव है, समय कम है, तो आमुख पढ़ लिया, उससे भी आपको एक अंदाज़ा लग गया कि ये विस्तार में खबर आपको जाननी है तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अंदाज़ा लग गया कि इस खबर के अंतर्गत क्या बात कही गई है। इसलिए शीर्ष, क्योंकि सबसे पहले आदमी शीर्षक पढ़ेगा, शीर्षक पढ़ के अगर उसकी रुचि नहीं जागी तो वो आमुख भी नहीं पढ़ेगा और विशेष समाचार तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन इसमें कही गई बात, यानी कि शीर्षक में कही गई बात समाचार द्वारा अवश्य ही पुष्ट होनी चाहिए, यानी कि शीर्षक कुछ और कह रहा है और समाचार के अंदर कुछ और बात कही गई है। शीर्षक को आकर्षक बनाने के चक्कर में आपने उसको इररेलीवेंट आप नहीं कर सकते मुख्य समाचारों से, मुख्य कलेवर से। और शीर्षक बनाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक जो है वो अत्यंत छोटा हो तथा समाचार के मुख्य भाव को व्यक्त करे, इसमें भ्रामकता नहीं होनी चाहिए। जो वही बात कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्य कलेवर कुछ और है और शीर्षक आपका कुछ और कह रहा है। रेडियो एवं टेलीविज़न से प्रसारित समाचारों के भी शीर्षक दिए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उनका एक टेक्निकल नाम है, उन्हें स्लग कहा जाता है, लेकिन वे वाचक संपादक आदि के प्रयोग हेतु होते हैं। उन्हें उन शीर्षकों को श्रोताओं अथवा दर्शकों के लिए वाचन नहीं किया जाता है। हाँ, टेलीविज़न पर कई समाचारों का शीर्षक कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसे CG कहते हैं, उस द्वारा लिख दिया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब संस्कृत समाचारों का निर्माण हम करते हैं तो उसमें हमें बैंड्स बनाने पड़ते हैं। यदि आप लोग संस्कृत समाचार देखते होंगे या देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जब संस्कृत समाचार बोले जा रहे हैं तो जो समाचार बोले जा रहे हैं, जिस विषय के बारे में, जिस समाचार के बारे में बतलाया जा रहा है, तो उसी से संबंधित एक नीचे एक पट्टी में बैंड, एक लाइन का लगभग कुछ खबर चल रही होती है, वो उसी से संबंधित होती है, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बैंड्स कहते हैं। चाहे वो बैंड्स जब आप हेडलाइंस पढ़ रहे होंगे तब भी वो बैंड नीचे चलता है, और वही जब आप मुख्य समाचार जब आप बोल रहे हैं तब भी वो बैंड आपको नीचे देना पड़ता है। तो उससे क्या है कि जो उस पूरी खबर का टाइटल एक प्रकार से वो बैंड में आ जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूँगा। एक समाचार को हम पढ़ेंगे और उसके बैंड को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार ये जो बैंड है वो उस समाचार से संबंधित है। तो पहली खबर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधान्यां दिल्ल्यां उद्यमी भारत इति कार्यक्रमं संबोधयता उक्तवान् यत् एकविंशत्यां शताब्द्यां भारतस्य विकासे सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमानां भूमिका अति महत्वपूर्णा अस्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् MSME क्षेत्रं सुदृढीकर्तुं प्रशासनं गताष्ट वर्षेषु
अस्य क्षेत्रस्य वित्तपत्रे सार्धषड्शतप्रतिशतम् वृद्धिः कृतास्ति। अब ये जो मैंने आपके सामने एक समाचार को पढ़ा, इसका जो भावार्थ है, इसका जो हिंदी अनुवाद है, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में उद्यमी भारत इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं शताब्दी के भारत के विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि MSME, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्षों में इनके बजट में 650% की वृद्धि की गई है। तो ये इस खबर का हिंदी अनुवाद है। तो इस पूरी खबर को यदि हमें एक इसका बैंड बनाना हो तो वो बैंड किस प्रकार बन सकता है? MSME क्षेत्रस्य महत्वपूर्ण भूमिका। तो इससे ही अगर आप मान लीजिए आपने पूरी खबर नहीं भी सुनी या जल्दबाजी में आपने सिर्फ टीवी पर निगाह डाली, समाचार चल रहे हैं वो विस्तार से उसको बता रहा है, आपने केवल बैंड देखा MSME क्षेत्रस्य महत्वपूर्ण भूमिका, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक और समाचार को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। भारतस्य अंतरिक्षे नूतनः पदक्षेपः, भारतीय अंतरिक्षानुसंधान परिषदा श्रीहरिकोटातः स्वस्य ध्रुवीयोपग्रह प्रक्षेपण यानात् उपग्रहः अंतरिक्षे प्रक्षेपिताः, अनेन ऋतुज्ञानं कृषि वानिकी जलप्लावस्थितीनां च स्पष्ट सूचनाः प्राप्यते। इस समाचार में बतलाया गया है कि भारत का अंतरिक्ष में एक और नूतन पदक्षेप हुआ है और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद है उसने श्रीहरिकोटा से अपने ध्रुवीय उपग्रह को प्रक्षेपण यान से उपग्रह अंतरिक्ष प्रक्षेपिता, उपग्रह के अंतरिक्ष में उसको प्रक्षेपित किया है, भेज दिया है। तो इस पूरी खबर का अगर एक बैंड बनाना हो तो क्या बन सकता है, अगर छोटा सा एक लाइन में या कुछ शब्दों में? भारतस्य अंतरिक्ष क्षेत्रे अपरैका उपलब्धि ही, ये इसका बैंड बन गया। इस पूरी खबर को आपने छोटे से एक लाइन में आपने समझ लिया। एक और उदाहरण देखते हैं, आजकल कोरोना काल चल रहा है उससे संबंधित एक और जो करंट न्यूज़ है उसको पढ़ते हैं। कोविड संक्रमणस्य प्रकरणेषु वृद्धिम अवलोक्य स्वास्थ्य मंत्रालयेन एकम उपवेशनम आकारितम, तत्र राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः नवदिङ्ग निर्देशाः ख्यापिताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः राज्यानि सूचितवान् यत् अग्रिमोत्सव कालं निध्याय कोविड संक्रमणम् अपाकर्तुं परीक्षणम् उपचारः सूच्यौषधीकरणम् इत्येतेषां रणनीतिषु अवधानस्य आवश्यकता अस्ति। तो इसमें कोविड के संक्रमण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कोविड संक्रमण पुनः एक बार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक गोष्ठी, एक मीटिंग की गई और वहाँ पर सभी राज्यों को केंद्र द्वारा 9 दिशा निर्देश दिए गए और ये भी कहा गया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के द्वारा कि आगामी महीनों में, क्योंकि अब उत्सव आने वाले हैं, पर्व आने वाले हैं, त्योहारों का मौसम आने वाला है, उसको केंद्र में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कोविड संक्रमण को रोकने के लिए परीक्षण और उपचार और वैक्सीनेशन, सूच्य औषधीकरणम जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, इन सब के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका बैंड बनाना हो तो वो बैंड बन सकता है कोविड प्रकरणे विशेष सतर्कताया आवश्यकता, ये इसका बैंड बन गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार संस्कृत समाचारों में हेडलाइंस हों चाहे मुख्य समाचार हों उसके बैंड किस प्रकार से बनते हैं। अब हम बात करते हैं समाचार का संपादन। प्रायः समाचार लेखन की ही भांति समाचार का संपादन भी होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिंग। प्रकाशन अथवा प्रसारण से पूर्व इसे रेडियो, टेलीविजन अथवा समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। कई बार समाचार लेखन के साथ ही साथ समाचार संपादन का कार्य भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि समाचार साथ के साथ संपादित हो रहे हैं और साथ के साथ उसको फाइनल किया जा रहा है और कुछ मिनट बाद उसको पढ़ना है जो कि लाइव न्यूज़ में जाने वाला है। संस्कृत समाचारों में प्रायः ऐसा होता है कि जब संपादक साथ के साथ और जो न्यूज़ समाचार प्रवाचक है वो दोनों मिलकर समाचारों को संपादित करते हैं और तुरंत ही संपादन और तुरंत ही उसका वाचन हो जाता है। लेकिन समाचार का संपादन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, समाचार के संपादन में तथ्यों की तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए। भले आपके पास समय कम हो,
लेकिन आप तथ्य नहीं बदल सकते। जो बात है वही बात आपको समाचारों के माध्यम से कहनी है, उसमें आप अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते। दूसरा, समाचार को संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत करें। बहुत ज़्यादा विस्तार से समाचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। समाचार हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 4-5 पेज में मिला हो, लेकिन आपको उसको बहुत ही कम शब्दों में, आधे पेज में, कुछ लाइनों में, कुछ पंक्तियों में आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। सारी बात भी आ जाए और विस्तार भी ना दिखे। तीसरा, समाचार में व्याप्त मानवीय पक्ष को उजागर करें। समाचार किसके लिए हैं? हम सब मानवों के लिए हैं, मानव के लिए हैं। तो उसमें यदि समाचार में कोई मानवीय पक्ष आपको दिख रहा है तो उस पक्ष को उजागर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। चौथा, अनावश्यक, दुराग्रही और समाज विरोधी बातों को छांट दें। यदि आपको लगता है कि ये बात अनावश्यक है या इससे दुराग्रह उत्पन्न हो सकता है या समाज में कोई इससे विरोध उत्पन्न हो सकता है, तो उस बातों को आप छांट भी सकते हैं। लेकिन अगला जो पॉइंट है, समाचार की जो भाषा है वो अत्यंत सरल, संतुलित तथा दिलचस्प उसको बनाए रखें। बोरिंग नहीं होने चाहिए। इसको आपने देखा होगा कि जो 24-24 घंटे के समाचार चैनल्स होते हैं वो उनको पूरे दिन समाचार दिखाने हैं, और उनको ये भी प्रयास करना है कि उनके समाचारों को देखते समय कोई बोर ना हो जाए। इसलिए वो समाचारों को रोचक बनाए रखने के लिए कई लोग क्या करते हैं, अलग प्रकार की शैली का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो लोग हैं चैनल्स, वो बहुत तेज़ आवाज़ में स्पीड बहुत जल्दी बोलते हैं, ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, कुछ लोग चिल्लाकर भी बोलते हैं, जिससे कि दर्शकों का एक आकर्षण बना रहे कि क्या हो गया, क्या बात, कोई विशेष खबर चल रही है, इतना कुछ बात तेज़ बोल रहे हैं, ऊँची आवाज़ में बोल रहे हैं, कोई डिबेट चल रही है, कई बार डिबेट में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं उसमें जन सामान्य की रुचि बन जाती है। लेकिन कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत प्रिय होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, वो अपना आराम से जो खबर है उसको रिलैक्स होके शांतिपूर्वक बिल्कुल बताते चले जाते हैं, और उनके समाचारों को भी। तो जो लोग शांति प्रिय समाचार देखना चाहते हैं वो उस प्रकार के चैनल्स को देखते हैं, और कुछ लोग जो थोड़ा सा रोचकता चाहते हैं, दिलचस्पी चाहते हैं, थोड़ा जोश चाहते हैं, उनके लिए भी उस प्रकार के समाचार चैनल्स उपलब्ध हैं। समाचार की प्रस्तुति इस ढंग से करें जो आपके समाचार संस्थान की नीति और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ समाचार जो उनकी अपनी शैली है, तो वो उस शैली के कारण, अपने उस स्टाइल के कारण ही प्रसिद्ध हैं। ये शैली है तो हम समझ जाएंगे कि कई बार चैनल पे निगाह भी नहीं पड़ी, समझ जाएंगे कि कौन सा चैनल चल रहा है, और अगर कोई दूसरा चैनल है तो उसे उसकी शैली, उसकी भाषा, उसके एक्सपर्ट, उनको देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा चैनल है। तो ये उनका दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं उनके समाचारों के बोलने की शैली और तरीके से भी स्पष्ट हो जाता है। टेलीविज़न पर मुख्य समाचारों का सार तथा वे समाचार जिन्हें बुलेटिन में शामिल नहीं किया जा सकता, उसको स्क्रॉल में शामिल कर लेते हैं। आपने टेलीविज़न पर समाचार देखते समय ध्यान दिया होगा कि जिस समय समाचार प्रसारित हो रहे होते हैं उसी समय टेलीविज़न के पर्दे पर निचले हिस्से पर एक पट्टी घूमती है। समाचार चल रहे हैं लेकिन वो समाचार जो निचले पट्टी पर चल रहे हैं वो समाचार वहाँ नहीं बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ समय नहीं है, वहाँ वो प्रमुख समाचारों को महत्व देकर, या डिबेट चल रही है, कोई एक्सपर्ट आया हुआ है, या बहुत इंपॉर्टेंट पीएम की कोई न्यूज़ जा रही है, तो वो वहाँ जा रही होगी। लेकिन और भी बहुत सारे समाचार, क्योंकि समाचार तो बहुत ज़्यादा संख्या में भी हो सकते हैं और सबको कुछ कुछ महत्व देना आवश्यक हो जाता है कई बार, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसको स्क्रॉल बनाकर उस नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर लगातार वो पूरे दिन, चाहे जिस समय ब्रेक भी आ रहा होता है, जिस समय एडवर्टीजमेंट भी आ रही होती है, उस समय भी वो पट्टी चलती रहती है। तो किसी ने समाचार का चैनल निकाला और पता चला कि उस पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो समाचार का चैनल हमने इसलिए तो नहीं खोला है कि हमें उसमें एडवर्टीजमेंट देखनी है, हमें समाचार देखने हैं, लेकिन बाई चांस उस पर एडवर्टीजमेंट आ रही है, तब भी आप वो जो पट्टी है उस पर समाचारों को पढ़ सकते हैं कि हाँ, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ कुछ खबरें आपको, प्रमुख खबरें या ऐसी खबरें जो मुख्य समाचारों में नहीं आ पाई हैं, वो उसमें उनको स्थान मिल जाता है। तो हमारा समाचार चैनल खोलने का जो कुछ औचित्य था, जो उद्देश्य था, वो हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है। तो इस पट्टी पर कई समाचार लिखे होते हैं और इस समाचार पट्टी को ही स्क्रॉल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं समाचार की भाषा पर। समाचार की भाषा जो है वो सरल और सहज होनी चाहिए। समाचारों को देखते, सुनते या पढ़ते हुए व्यक्ति सदा बहुत सजग हो, यह आवश्यक नहीं है। कई बार टीवी चल रहा है सामने, लोग अपने बातें कर रहे हैं, निगाह भी टीवी पे भी निगाह मार ली, एक हल्का सा देख लिया, अच्छा चल रहा है, तो बहुत सजग तो होगा नहीं, बहुत अलर्ट नहीं होता है। इसलिए भाषा जो है वो कठिन भाषा का आपको त्याग करना चाहिए। अगर आपने कठिन भाषा डाल दी, पता चला कि वैसे भी वो
बहुत कैजुअल होकर सुन रहा था, कठिन शब्द डाल दिया तो वो उसको डिक्शनरी देखने थोड़ी जाएगा उसके लिए, तो पता चला कि आपका जो उद्देश्य था समाचार देने का वो उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए अत्यंत सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अगर यदि कोई व्यक्ति अनायास भी समाचार पर निगाह पड़ जाए या कान में उसके ध्वनि पड़ जाए तो उसको समझ आ जाए कि क्या खबर चल रही है। और जो समाचारों के जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो छोटे छोटे और सरल होने चाहिए, क्योंकि छोटे सरल होंगे तो छोटी बात में एक लाइन में ही आपने बात कही। कई बार तीन लाइन का अगर एक ही वाक्य होगा तो पता नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाह रहे थे। तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, सरल शैली का प्रयोग करना चाहिए, सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और संस्कृत में क्योंकि समास का प्रयोग भी हो सकता है तो संस्कृत में समाचार बनाते समय लंबे समासों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। छोटे छोटे अगर कहीं हल्का फुल्का समास का इस्तेमाल करना पड़ गया तो करना चाहिए। संधियों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य को कई बार संधि तोड़ने में समस्या आ सकती है। जहाँ आवश्यक संधि है वहाँ तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बिना संधि करे भी काम हो सकता है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अल्प प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो ऐसे शब्द जो प्रयोग में नहीं है, बोलचाल में नहीं है, आपने वो शब्द डाल दिया और उसका अर्थ ही उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो ऐसा प्रचलित शब्द हो जो हिंदी से या संस्कृत निष्ठ हिंदी से बना हो तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। छोटे छोटे अनुच्छेद बनाए जाने चाहिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, क्लिष्ट एवं व्याख्या सापेक्ष, ऐसे शब्द जिनके लिए व्याख्या की अपेक्षा हो जाए ऐसे शब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग ना करें, परंतु किसी विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता हो तो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन भाषा में फूहड़पन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। किसी घटना की विस्तृत रिपोर्ट यदि आप लिख रहे हैं तो समूचे घटनाक्रम का शब्द चित्र उपस्थित करने की चेष्टा करें। भाषा संस्कृत की प्रकृति के अनुकूल हो, और यदि हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा से आपने अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद की भाषा को संस्कृत की प्रकृति के रूप में ढाल लें, क्योंकि हिंदी वाले हिंदी के स्टाइल में लिखते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी के स्टाइल में लिखते हैं, उर्दू वाले उर्दू के स्टाइल में लिखते हैं। आप संस्कृत में बना रहे हैं तो आपको संस्कृत के स्टाइल में समाचार को लिखना चाहिए। संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? संपादकीय विभाग सामयिक घटनाओं एवं सार्वजनिक महत्व के विषयों पर टिप्पणियां लिखकर प्रायः प्रतिदिन उसको प्रसारित करता है। हमें इससे यह पता चलता है कि अमुक घटना पर अमुक मीडिया समूह की क्या राय है। जैसे कोई खबर चल रही है तो हर मीडिया समूह अपने अपने उस घटना पर अपने कमेंट्स करते हैं, अपना दृष्टिकोण देते हैं, अपने व्यूज देते हैं, वही जो है वो संपादकीय कहलाता है। संपादकीय जो टिप्पणियां हैं वो लोकमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रायः संपादकीय दृष्टिकोण उनके पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के दृष्टिकोण को भी, यानी कि पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के पत्रों तथा समय समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों के माध्यम से भी उसको अभिव्यक्त करता है। रेडियो और टेलीविज़न से प्रसारित संस्कृत समाचारों का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें संपादकीय लेखन की कोई अभी गुंजाइश नहीं है, परंतु पत्र पत्रिकाओं का तो दृष्टिकोण ही संपादकीय टिप्पणियों में मुखर होता है। अतः पत्र का संपादकीय लिखते समय ध्यान रखें कि आपको पत्र का दृष्टिकोण अवश्य पता होना चाहिए। आपकी विविध संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी बात सुस्पष्ट हो, तर्कयुक्त हो, प्रामाणिक हो और प्रभावपूर्ण हो। भाषा सरल हो, संपादकीय जटिल नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षेप में हो, कि मितम च सारम च वचो ही वाग्गमिता, यानी कि गागर में सागर भरना ही वाणी की निपुणता है। यही संपादकीय लेखन का मूल मंत्र है। साथ ही नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, ना कुछ बिना प्रमाण के लिखा जाता है और ना ही कुछ अनपेक्षित कहा जाता है। इस सिद्धांत का यदि आप पालन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे संपादक, समाचार प्रवाचक और समाचार वार्ताहर कहलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे शीघ्र भेंट होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।